मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिकाऊ कहा है। महंगाई के मुद्दे पर नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एयर इंडिया के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बेकाऊ है। वही मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह गया है। कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द रह गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रिमंडल विस्तार में मिले उड्डयन मंत्रालय को लेकर हमला बोला था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। जो तलवे चाटने की राजनीति कर सकता है वो ही कांग्रेस के अंदर टिक सकता है। असम के मुख्यमंत्री आज विश्व शर्मा, अब ये कांग्रेस के अंदर तो ये हालत है कि कांग्रेस के अंदर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रहने की स्थिति में नहीं है। जो तलवे चाटने की राजनीति कर सकता है वो ही कांग्रेस के अंदर टिक सकता है। असम के मुख्यमंत्री आज विश्व शर्मा को आप देखिए, स्वाभिमान की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और आज मुख्यमंत्री के पद में है। आप भूले नहीं होंगे G23 23 लोगों का ग्रुप जो कांग्रेस के कर्णधार है 30-40 साल से, उन G23 के सारे सदस्यों ने कांग्रेस के अंदर के हालात की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कम से कम कांग्रेस में सुनने की प्रक्रिया तो शुरू हो, हमारी इज्जत और स्वाभिमान तो रहे। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ने की प्रक्रिया में, और माधवराव सिंधिया भी अपने अपमान को और अपमान की वजह से स्वाभिमान के लिए वो कांग्रेस छोड़ के आए और आज केंद्रीय मंत्री के पद। भारत की बात में फिलहाल इतना ही।